हेलो दोस्तों, मैं बलिंदर कौर। दोस्तों, मेडिटेशन के मैं अक्सर जो बड़े बड़े मेडिटेटर हैं उनके वीडियो देखती रहती हूँ कुछ सीखने के लिए। तो एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी और जिसने मेरे मेडिटेशन की समझ को बहुत आसान कर दिया, वो बात थी कि मेडिटेशन कुछ करने का मार्ग नहीं है या कुछ पाने का मार्ग नहीं है, ये छोड़ने का मार्ग है। मुश्किल पाना नहीं है, मुश्किल है छोड़ना। और जब हम छोड़ना सीख जाएंगे तो प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। प्राप्ति के लिए हमें मेडिटेशन नहीं करना, हमें अपनी जो बहुत सारी चीजें हैं हमारी लाइफ में जो गलत, हम गलत प्रैक्टिस, गलत कंडीशनिंग, गलत माइंडसेट से कर रहे हैं, उनको छोड़ने की कोशिश करना है। और जब वो छोड़ती जाएंगी तो प्राप्ति अपने आप होती जाएगी। छोड़ना क्या है हमें? हमें छोड़ना है सबसे पहले जो हमारी नेगेटिव कंडीशनिंग है, जो जाने अनजाने हो चुकी है, जकार दी गई है। हमारे स्कूल जाने से लेकर अब तक जितने भी बड़े हम हो गए हैं, हमारे फैमिली, हमारे रिश्तेदार, सोसाइटी, जिस जगह पे हम रहते हैं वो इन्वायरमेंट, हमारी स्कूलिंग, जिस कंट्री में रहते हैं, जिस रिलीजन में हम पैदा हुए हैं, कंडीशनिंग इज कंडीशनिंग। एक चीज किसी एक के लिए बुरी हो सकती है, लेकिन हो सकता है दूसरे कल्चर में वही चीज अच्छी हो। लेकिन जब हम स्पिरिचुअल मार्ग पे जाते हैं तो किसी भी तरह की कंडीशनिंग हमारी हेल्प नहीं करती, क्योंकि कंडीशनिंग से रेजिस्टेंस क्रिएट होती है। तो हमें वो अपनी जो नेगेटिव बिलीव्स है, कंडीशनिंग है, रेजिस्टेंस है, उसको छोड़ना है। जो हमें लगता है कि हम हेल्पलेस हैं, जो डर है, जो हमें एंगर है, जो हमें जेलसी है दूसरों के लिए, और जो हमें भाव आता है, जो फीलिंग आती है कि दूसरों को लोग ना पूछे और हमें पूछे, हम आगे रहें, दूसरे चाहे पीछे जिए या मरे, हम आगे निकल जाएं, इन चीजों को छोड़ना है हमें। जो डिपेंडेंसी है हमारी इमोशनल दूसरों पे, उसको छोड़ना है। और जब हम इन चीजों को धीरे 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 छोड़ते जाएंगे तो प्राप्ति अपने आप होती जाएगी। अगर हम इस फीलिंग से मेडिटेशन करते हैं कि हमें दिखाई देगा, हमें तारे दिखाई देंगे, हमें लाइट दिखाई देंगी, हमें आवाजें सुनेगी, तो हम रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हम पहले ही वो थॉट लेकर माइंड में वो बैठे हैं और रिजल्ट्स की वेट कर रहे हैं। लेकिन रिजल्ट्स को भी हमने छोड़ना है, हमने सिर्फ करना है, जब रहना है, करना भी नहीं है, लेकिन हमें करना वर्ड यूज करना पड़ता है लोगों को समझाने के लिए। हमें सिर्फ रहना है उस स्टेट में, लेकिन जब तक हम नेगेटिविटी को नहीं छोड़ते, अपनी पुरानी कसी पिटी बिलीव्स को नहीं छोड़ते, हम रेजिस्टेंस क्रिएट करते रहेंगे। और जब तक रेजिस्टेंस क्रिएट होती रहेगी, हमें कोई रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले। इस वीडियो को मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट अपने फ्यूचर की वीडियोस में, कि कैसे हम रेजिस्टेंस को धीरे धीरे कम करते जाएं। मीन टाइम अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। हर तरह, अगेन मैं अपनी बुक के बारे में बता रही हूँ, जिन लोगों ने भी इस बुक को पढ़ा, मुझे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक मिली कि ये बुक को जो टेक्निक से बताई है वो बहुत ही आसान है। बहुत डिफिकल्ट वाली टेक्निक्स नहीं है कि आपको लगे कि आपकी लाइफ में एंजॉयमेंट ही छूट जाएगी, जिंदगी ही छूट जाएगी। सो अगर आपको इस बुक की कॉपी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, इंडिया में या इंडिया से बाहर। बी ब्लेस्ड एंड बी इन अवेयरनेस। थैंक यू।